इस मशीन को भी अभी खराब होना था। इतना सारा काम पड़ा हैंगे, अब हम कपड़े कैसे सिलेंगे? अरे कुछ तो बोलो मामा। भाई अलीजा, एक बात बताओ, रईसों की सोबत किसे अच्छी नहीं लगती है? और जाहिर सी बात है कि तुम्हें भी हमारा साथ अच्छा लगता है। भाई देखो, अगर तुम हमारा साथ चाहते हो तो फौरन ये बेंच बदल दो, क्योंकि क्या है कि हम पैसे वालों की बचपन से ही नरम और मुलायम गद्दों पर बैठने की आदत होती है। वैसे आदत तो पिताजी की थी, वो भी दूसरों के काम में टांग अड़ाने की, और तुम अच्छी आदत डालो अब जल्दी से। आहा, नरम मुलायम और गद्देदार कुर्सी मंगवा लो हमारे लिए। अच्छा मामा, हाँ एक काम करो। हाँ उठो। उठ गए, अब निकल लो है? अब जब हम गद्देदार कुर्सी मंगवाएंगे तब आके बैठना। नहीं नहीं, फिलहाल हम इससे काम चला लेंगे, लेकिन तुम याद रखना। हाँ नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। अलीजा, ये पैसे वाला होना भी ना कितना मुश्किल काम है। कोई भी ऐरा गैरा लत्थू खेरा आकर नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई। हम आपको नहीं, इनको नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा नमस्ते नमस्ते। कहिए कहिए, का सिलवाना हैंगे? सिलवाना नहीं बल्कि कुछ दिखाना है। भाई दिखाते तो पिताजी थे, वो भी झूठे सपने। लेकिन हम जो दिखाने आए हैं वो ना तो झूठ है और ना सपना। हमारा नाम राहुल है। हमारी कंपनी जो है वो सिलाई मशीन बनाती है। एक मिनट, ये देखिए, हमारे पास कई मॉडल के मशीनें हैं, आपके सुविधा के हिसाब से एक से बढ़कर एक। इन सब पर एक साल की गारंटी दे रही है हमारी कंपनी, सिर्फ आपके लिए। हाँ? अच्छा, ये क्या कंपनी के होने वाले दामाद है? वैसे कंपनी के दामाद तो पिताजी थे। हाँ तो बताइए कौन सी मशीन बुक कर दें आपके लिए। हम तो कहते हैं ये वाला बुक कर लीजिए, ये हमारी कंपनी की लेटेस्ट मशीन है। ऑटोमेटिक, मक्खन की तरह चलती है और आवाज बिल्कुल भी नहीं। दाम भी एकदम जायज है, सिर्फ 10,000 रुपए। का 10,000? हाँ सिर्फ 10,000। अगर ज्यादा है तो और भी मॉडल के मशीन है जो 5,000 से 7,000 के बीच में आ जाएंगी। अच्छा। ये देखिए, ये और ये, आप बताइए कौन सा खरीदिएगा। अरे सुनो भाई, सबसे अच्छे मॉडल की मशीन जो है वो सिर्फ 10,000 बस। भाई हमें तो बहुत ही मामूली कंपनी लगती है। सुनो भाई, एलिजा अगर खरीदेगा तो सबसे अच्छी वाली मशीन खरीदेगा बस। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये वाली मशीन बुक करवा दें तो। लेकिन मामा वो... अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, हमें बात करने दो एलिजा। भाई ये बताइए कि अगर हम ये वाली मशीन बुक करवाएं तो कब तक तुम भिजवा दोगे? सिर्फ सिर्फ एक हफ्ते में। हाँ तो ठीक है, भिजवा दो, बहुत जल्दी भिजवाओ। एलिजा ये बताओ, एक ठीक रहेगी या दो मंगवा लें? अरे मामा चुप करो, यहाँ एक खरीदने के पैसे नहीं होंगे, दो का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे? पैसे तो पिताजी के पास नहीं होते थे, और देखने वाली बात यह है कि पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है। मगर देखने वाली बात एक और भी है कि तुम्हारे पास पैसे भले ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोस्त तो है, वो भी पैसे वाला। इसलिए चिंता मत करो, फौरन मशीन का ऑर्डर दो। अरे बेचने वाले भाई साहब सुनिए, अभी आप जो है वो एक मशीन का ऑर्डर लें, और जब हम उस मशीन की जांच कर लेंगे ना तो हम और भी ऑर्डर देंगे। यहाँ पे साइन कीजिए। हाँ हाँ करो भाई साहब। पेमेंट कैश से देंगे या चेक से? जैसे तुम चाहो भाई, हम रईसों के लिए चेक हो या नोट, सिर्फ कागज के टुकड़े होते हैं। थैंक यू सर, आपका मशीन अगले हफ्ते पहुंच जाएगी। हाँ वो जरूर पहुंच जाए, याद रखना। हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते। हम आपको नहीं, इनको नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते। अलीजा, ये पैसे वाला होना भी कितना मुश्किल काम होता है ना, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गहरा आगे नमस्ते नमस्ते भाई साहब नमस्ते। ये राम दुलारी, रुको, कहाँ हो गया? हाँ हमरे बिना चल दिए ग्राम उद्योग, हमें बुलाया नहीं। हमने सोचा कि का सोचा? यही कि अब तो आप कभी ग्रामोद्योग नहीं जाओगे। कहाँ नहीं जाएंगे, लखपति जो बन गए हो। तो
तो अब तो आप घर पे बैठ के मजे करोगे। कैसी बातें कर रही है? और जिस काम से हमें इतना बड़ा सम्मान और नाम मिला है वो काम हम छोड़ेंगे कैसे बताओ? उल्टा और ज्यादा मेहनत करेंगे। का टुकुर टुकुर देख रही है, चलो देरी हो रही है। सुनिए। हाँ बोलो। ये बड़े बाबू कहाँ बैठते हैं? बड़े बाबू तो कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी इस कुर्सी पे तो कभी उस कुर्सी पर। एक दिन तो उस मेज पे जाके बैठ गए थे। नहीं, हमारा मतलब ये है कि आज कहाँ बैठे हैं? आज वो उस कुर्सी पे जाके बैठेंगे वहाँ। हाँ अच्छा। बड़े बाबू, हम पैसे लेने आए हैं। प्रीतम जी। बड़े बाबू, अरे ये चाय वाले को चाय के पैसे नहीं दिए क्या ये महीने? अरे बड़े बाबू, हम चाय वाले नहीं हैं, हम तो पैसे वाले हैं। पैसे वाले लखपति। लखपति? अरे भैया पैसे वाले हो तो हमसे पैसा काहे मांग रहे हो? अरे देखिए, हमारी दीदी को इनाम मिला है 2 लाख रुपए। ये रहा उनका ये सरकारी पत्र, मिश्री देवी। अरे तो आज ही काहे आ गए? अरे क्योंकि आज 7वां दिन है और नेताजी ने कहा था कि ठीक 7वें दिन पैसे मिल जाएंगे। भाई साहब, शनिवार एतवार का नाम सुने हो ना? हाँ, तो सरकारी दफ्तर जो है वो शनिवार एतवार को बंद रहता है भाई। 7 दिन का मतलब वो 7 दिन जिसमें सरकारी दफ्तर खुलता है, समझे? जाओ 3-4 दिन के बाद आना। 3 या 4 अगले हफ्ते। देखिए नाराज मत होइए, हम 4 दिन बाद आ जाएंगे। आ जा। 4 दिन बाद। हम हमरे भाग्य सवारे, हम गीत खुशी के गाए, हमरे आंगन में आज 2 लाख जी पधारे हैं। माया हो? हाँ। ये आए? हाँ, 2 लाख रुपए का हम क्या करेंगे बेटा? हम सोच रखे हैं वो 2 लाख रुपए जो है वो हम खर्च करेंगे तुम्हारे गले के लिए। है माया? हाँ, नहीं नहीं, हाँ गले के लिए सोने का हार नहीं है, उससे कीमती चीज। ऑपरेशन करके तुम्हारी आवाज लाएंगे बेटा। माया बाबा, 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 आया। ऐसे क्या है डॉक्टर साहब? ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ फोन करने वाले है, 15 दिन ना ही हुए हैं, गिनते रहना है। छोटू गया है सरकारी दफ्तर बड़े बाबू के यहाँ है, वो दूर है बेटा, आ जाएगा है। देखो हम कहे थे छोटू आ जाएगा। सोसा जी गए हैं, आ गया है तो छोटू देखो बेटा, वो पैसे जो है भगवान के सामने रखना, सब इनकी कृपा से हुआ है, है? और बाद में वो पैसे जो है वो हमारे पास देना, हम संदूक में रख लेंगे, ऊपर से मोटा ताला लगा देंगे। है जमाना बहुत खराब है बेटा। दीदी हाँ, जमाना भी खराब है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना भी खराब है। बकलोली शुरू कर दिए हो? अरे हम बकलोली नहीं कर रहे हैं, हम तो ये छोटू बाद में बकलोली कर लेना। पैसे कहाँ है? सुरीली सुरीली, अब 2 लाख रुपए नहीं मिले। नेताजी तो कहे थे 7 दिन के बाद पैसा मिलने वाला है,
7 दिन तो हो गए है कि नहीं? अरे दीदी, नेताओं का काम है पहले वादा करना और बाद में उस वादे से मुकर जाना। वैसे मुकरते तो पिताजी थे। बंद करो पिताजी का बखान, ये बताओ बड़े बाबू ने क्या कहा? दीदी, बड़े बाबू ने कहा है कि 4 दिन के बाद आना, चौथे दिन ही पैसे मिलेंगे। कहा हो गया है? उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सरकारी काम है, है समय लगता है। ऐ सुरीली, उदास कहाँ हो रही है? ऐ छोटू जाएगा 4 दिन के बाद सरकारी दफ्तर और पैसा लेके आएगा। ऐ छोड़ो, ओहो जब हाथ मुंह धो लो, हम खाना बना रहे हैं। ऐ सुरीली, ओहो खुश हो जाओ, है कहाँ उदास होना है। चलो जाओ जाओ जाओ, खाना बनाते हैं। दीदी, 4 दिन बाद पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन तब तक हम सुत्ती लाल और अलीजा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है पिताजी की तरह हम भी जूते खाएंगे। मुकुंदी दुल्हन, ए मुकुंदी दुल्हन, हमरे भाग जा गए, हमरे भाग जा गए। कौन जा गया है? कोई सो रहा था का? अरे मौसी, हमरी किस्मत जाग गई, किस्मत तुम हमरे द्वार जो पधारी हो। अब हम गंगा मैया से यही प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा मैया, हम कभी मौसी की तरह लखपति बनाए दो, फिर देखना जिंदगी में का ललन टप मजा आएगा। क्या बात, क्या बात कर रही है इंदुमती? तुम कोनो लखपति से कम हो का? हाँ हाँ, सोने जैसा पति है, हीरा मोती जैसे बच्चे हैं, लखपति नहीं तुम तो करोड़पति हो। हाँ मौसी, ये बात भी बिल्कुल सही कही तुमने। हाँ सच अम्मा, क्या हम करोड़पति है? और नहीं तो का, सुना नहीं मौसी ने क्या कहा? हाँ अब मैं सबको स्कूल जाकर बताऊंगी कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, जो पैसे हमेशा ढक के रखते हैं। तुम्हारे हाथ में 14 रहे तो ऐसे भी ढक देना। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, हमका तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, एकदम खास, एकदम स्पेशल। हाँ बोलो बात। चुकू के पापा कहते हैं आजकल जमाना जो है बहुत खराब हो गया, अपने पैसे जो है ना एकदम संभाल के रखने चाहिए। हाँ हम समझ गए हैं बेटा, हम सोचे हैं। हाँ पैसे है, संदूक में रखेंगे और मोटा सा ताला भी लगा देंगे। और अगर संदूक चोरी हो गया तो? ये तो हम सोचे ही नहीं, हो सकता है। काम करेंगे हम, पीपल के नीचे गाड़ देंगे। हाँ मौसी, क्या पता ऐसा करने से पीपल के पेड़ पे भी पैसे उग जाए। ए चुको, चुप हो जाओ, चुपचाप पढ़ाई करो। अरे मौसी सीधी सी बात है, चुकू के पापा कह रहे थे कि तुम्हारा जो पैसा है वो तुम बैंक में या फिर वो डाकखाने में काहे नहीं डालती हो। हाँ। एक तो पैसा सुरक्षित रहेगा और दूसरी बात ही कि तुमका ऊपर उका कहते हो इंटरनेट मिलेगा। हाँ। इंटरनेट नहीं अम्मा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ हाँ वही हम जानते हैं, हम सबको जानते हैं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। हाँ मौसी तुम तो समझ गई ना, ब्याज नहीं मिलेगा का? अरे वही ना मौसी, ब्याज और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज एक ही बात है। बिल्कुल समझ गए, संभाल के रखने हैं। मुकुंदी दुल्हन, हम आए थे तुम्हारे पास, काहे आए थे? अरे हाँ मौसी, काहे आए थी तुम? ये याद ही नहीं रह रहा है। हाँ, याद होने के बाद आते हैं। लखपत्नी बन गई, अब याद नहीं आ रहे। तुमका आते है? राम राम। अरे आ गए मामा? नहीं अभी रास्ते में है, जब आएंगे तो बता देंगे। अच्छा कुछ भी कहो मामा, तुम बातें बहुत बढ़िया करते हो। बैठो बैठो, अभी फर्स्ट क्लास चाय तुम्हारे लिए लाते हैं। सुतीलाल, सुतीलाल वो का हुआ मामा? वो दरअसल हम समझ गए, चाय के साथ समोसा भी खाना चाहते हो ना, यही ना? अरे तो शर्माना कैसा, अरे तुम्हारी अपनी ही दुकान है, जो खाना पीना हो मजे से खाओ पियो। लो सही कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है।
तुम यहाँ पैसा लाए, वहाँ राधे भी आ गए। सुतीलाल, दरअसल हम पैसे जो हैं वो ठीक है मामा, तुम अगर अपने हाथों से राधे को पैसा देना चाहते हो तो हमका काहे का ऐतराज है? अरे भूल जाओ ऐतराज, अब तुम होने वाले हो नाराज। अरे मामा, हम काहे को नाराज होंगे, अरे हम तो खुश हैं, खुश। सुतीलाल, हम पैसे नहीं ला सके। अरे तो ऐसा कहो ना कि पैसे का? पैसे नहीं ला सके? हे राधे, ठीक 7 दिन बाद आ जाना, पूरे पैसे तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। अरे सुतीलाल, हम आ गए। ओ राधे भाई साहब, बैठो, हम अभी चाय आपके लिए बनाते हैं। सुतीलाल, हमारे धंधे का उसूल है कि जिसको दिया उधार उसे मत पढ़ाओ प्यार। ये चाय वाय बाद में पिलाओ, पहले हमारे मुंह पे पैसे मारो पैसे। पर राधे भाई साहब, वो हमरा मतलब वो फिर ये वो हम कर रहे हो। अब पैसे निकालो और हमें यहाँ से चलता करो। अब राधे भाई से वो हम देखिए, हम बताते हैं वो क्या है कि हम इस गांव के सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार आदमी हैं। और हमने ही सुतीलाल से वादा किया था कि आज हम सुतीलाल को 12,000 रुपए देंगे, लेकिन हमारा पैसा 4 दिन के बाद आएगा, इसलिए आप 4 दिन के बाद आइए और अपने पैसे ले जाइए। ये हम आपसे वादा करते हैं। और सुनिए, पैसे हम देंगे, सुतीलाल नहीं, हम देंगे आपको। और सुनिए, ये जो सामने जो घर है ना, ये हमारा घर है, इसलिए राधे भाई अब आप सुतीलाल की दुकान पे नहीं, हमारे घर पे आएंगे और हमसे पैसे ले जाएंगे 4 दिन के बाद। 4 दिन की बात, 4 दिन बाद देखेंगे, अभी क्या करना है ये बताओ। अरे बताते तो पिताजी थे, वो भी ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन हम अब आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अजी ऐसे कैसे वापस जाना चाहिए, पैसे लेने आए हैं, खाली हाथ थोड़े ही ना जाएंगे। ए सुतीलाल, गल्ले में जो भी है निकाल। गल्ले में अभी तो निकालता है या और? अभी देते हैं। ₹250, 12,000 में 250 रुपए कम लूंगा 4 दिन के बाद, ध्यान रखना। चलो अच्छा हुआ मुसीबत टली। सुतीलाल अब तुम हमें चाय पिलाओ। सुतीलाल, तुम्हारी आंख में आंसू। सुतीलाल, हमें आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। मामा, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तुम्हारी वजह से आज हमारा गला बिल्कुल खाली हुआ है। ऐसा अपशगुन हमारे साथ कभी न हुआ आज तक। सुतीलाल, देखो हमारी बात को समझो। अबे समझना उमझना कुछ नहीं है, तुम यहां से जाओ। लेकिन हम तो मतलब तुम यहां से जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।